का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके माध्यम से मैं साधन का ध्यान सरकार की उस योजना की तरफ खींचना चाहती हूँ जिसमें रेलवे की 6 उत्पादन इकाइयों का कंपनीकरण किया जाने वाला है। इस योजना के प्रथम चरण में रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री होगी। अध्यक्ष महोदय, जो कंपनीकरण यानी कॉर्पोरेटाइजेशन का असली मायने नहीं जानते हैं, मैं उन्हें यह बताने की इजाजत चाहती हूँ कि कंपनीकरण दरअसल निजीकरण की शुरुआत है। यह देश की अमूल्य संपत्ति कौड़ियों के दाम चंद निजी हाथों के हवाले करने की पहला प्रक्रिया है। इससे हजारों हजारों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। असली चिंता तो इस बात की है कि सरकार ने इस प्रयोग के लिए रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री को चुना है, जो कि कई कामयाब परियोजनाओं में से एक है जिन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने देश के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने यानी मेक इन इंडिया के लिए शुरू किया था। आज इस कारखाने में उसकी बुनियादी क्षमता से भी काफी ज्यादा उत्पादन हो रहा है। भारतीय रेलवे का ये सबसे आधुनिक कारखाना है और सबसे सस्ती कीमतों पर सबसे बेहतर रेलवे कोच बनाने के लिए मशहूर है।